गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग सब लोग। जल्दी से क्लासेस जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। एक बार बताइए वॉइस कैसा है, वॉइस के बारे में थोड़ा सा थम्सअप करके बताएं सब लोग कि वॉइस कैसी है, उसके बाद फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब लोग एक बार बताइए कैसे वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर है, एक बार थम्सअप करके बताएं सब लोग। सब लोग मैक्सिमम लोग सब लोग जुड़ जाइए, जहां पर भी हो जैसे भी, आप सब लोग अपना टाइम से जुड़ के क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वॉइस क्लियर है एक बार बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिया जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड मॉर्निंग। वॉइस के बारे में बताइए कि कैसा है, वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार वॉइस क्लियर हो जाए फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो क्वालिटी और वॉइस के बारे में बताएं कैसा जा रहा है। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बस रेगुलर क्लासेस करनी है, तो अभी तक थोड़ा सोच लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सब लोग ने क्या पढ़ा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सब लोग डिफॉर्मेबल बॉडी और उस पर फोर्सेस के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सब लोग ने देखा। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या था कि हम सब लोग फोर्सेस और उस पर रिजिड बॉडी की एनालिसिस कर रहे थे जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी में डिफॉर्मेशन मतलब शेप और साइज में चेंज हो सकता है। पिछले आप तीन लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा और बस आगे हम सब लोग बढ़ते हैं, ठीक है? आज की क्लास में क्या होने वाला है, क्या समझना है, तो शुरुआत कहां से हुई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, लोड भी हम बता चुके हैं, इलास्टिक बॉडी के बारे में भी बात हो चुकी है। ये छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप बताएंगे इंटरनल इनर्शिया, ठीक है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस, तो मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। विदाउट एनी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स देयर विल बी नो स्ट्रेस, तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा क्लियर? तो आगे हम तो लोग बढ़ते हैं फिर क्लास करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या था, स्ट्रेस के पहले आप सोचिए, जब भी लोड लगाएंगे, लोड लगाते ही डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन जैसे ही होगा तुरंत मटेरियल क्या करेगा, रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और रेजिस्ट करेगा, विरोध करेगा, तो उस विरोध के चक्कर में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आएगा, और शुरुआत में रेजिस्टिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होगा, पर क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और एटलीस्ट एक ऐसा समय आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, अब डिफॉर्मेशन और ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके। तो पहला स्टेप ये था कि स्ट्रेन, पहले हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद डिफॉर्मेशन आया तो स्ट्रेन आया, और स्ट्रेन आया तो फिर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आए, और फिर स्ट्रेस आया। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन की वजह से, अगर डिफॉर्मेशन ना हो तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो आप ये पिछले सारे तीन लेक्चर देख चुके होंगे, और आप बताइए कि पिछले तीनों लेक्चर क्लियर हुए हैं, एक बार थम्सअप करके बताइए। आप सब लोग बताइए तीनों लेक्चर एकदम से क्लियर है? गुड मॉर्निंग गौरव जी, गुड मॉर्निंग। बस रेगुलर क्लास करते रहिए और समय से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आज को कल के लिए टालिए मत, नहीं तो सब कुछ टल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको रेगुलर क्लास करनी है। आप सब लोग तीनों लेक्चर लास्ट समझ में आया उसको एक बार थम्सअप करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद गौरव जी। आप बताइए कैसा रहा लास्ट का तीन लेक्चर, और फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की बात आ गई थी, क्या हुआ था स्ट्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? स्ट्रेन आपके हिसाब से क्या हुआ था, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इसको हम करा चुके हैं, इसको हमने क्लियर तरीके से आपको बताया जा चुका है। अब क्वेश्चन है स्ट्रेन, तो ये भी शायद हम आपको बता दिए थे लास्ट लेक्चर में, स्ट्रेन इज द
कॉज ऑफ स्ट्रेस, इसको आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा भी गया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस, तो मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन और ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, अच्छा रहा बिल्कुल, थम्स अप करके बताएं गौरव जी, मजा आ गया। चलिए तो अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेन क्या था, तो कल स्ट्रेन के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, स्ट्रेन आपका एक ही बात आया था, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, बस एक ही चीज ध्यान रखिए, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल या फिर इनिशियल डायमेंशन, ओरिजिनल या फिर इनिशियल डायमेंशन, ये आपका बेसिक स्ट्रेन था, चेंज इन डायमेंशन। मेरा इंटरनल एग्जाम था जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अगर किसी कारण बस नहीं कर पाए तो बाद में कर लिया करिए, पर पिछला क्लास अगर देखे रहेंगे तो आगे की क्लासेस बहुत बेहतर होंगी गौरव जी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, जिसे आपको समझ में आएगा। थोड़ा देखिए जिम्मेदारी से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आगे भी बेहतर तरीके से पढ़ें, बस इतनी सी कहने बात। तो ये आपका हो गया था चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। अब अगर कोई आपसे सिंपल पूछ ले कि गुरुजी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, क्या बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके हिसाब से क्या होगा, आप तुरंत कहोगे गुरुजी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल सा ऐसे बता देंगे, ओरिजिनल या फिर इनिशियल, ध्यान रखिए प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। रितेश चंद्रा जी आप भी जुड़े हैं तो आप क्लास करते रहे, ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, या ओरिजिनल को ही इनिशियल वॉल्यूम भी कहेंगे। स्ट्रेन आपको बेसिकली समझ में आया होगा, एक दो बातें और, स्ट्रेन तो स्ट्रेन आपके हिसाब से चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जब भी डायमेंशन चेंज होगा स्ट्रेन आएगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद है स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, इसकी डायमेंशन, इसकी बीमा क्या होगी, ये भी पूछा गया है, और ऐसे नहीं पूछा जाता, तीन चार नंबर्स दे दिए जाएंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा इसमें डायमेंशन लेस प्रॉपर्टीज है, तो ध्यान देंगे इसका डायमेंशन, चाहे आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल और चाहे लैटरल, वॉल्यूमेट्रिक लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल कोई भी स्ट्रेन हो, सब क्या होंगे, यूनिटलेस, क्यों यूनिटलेस, क्यों यूनिटलेस, क्वेश्चन मार्क, क्यों यूनिटलेस, क्योंकि सर सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, सेम क्वांटिटी क्या है, रेशियो। अब एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग कहेंगे सर अगर शियर स्ट्रेन की बात करें तो शियर स्ट्रेन एक एंगल होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होता है, शियर स्ट्रेन, तो एंगल का आप मेजरमेंट किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे, जबकि एक्चुअल में रेडियन कोई आपका इस पर मात्रक नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, रेडियन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन इज नॉट रिलेटेड विद द फंडामेंटल यूनिट्स, और अगर फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, अगर फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं तो रेडियन भाग जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में है, पर उसके साथ अगर आपने रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड, मीटर आए तो रेडियन भाग गया, वो जब आप नहीं है, जब फंडामेंटल नहीं है तब कॉम्प्लीमेंट्री की सहायता लेते, तो ध्यान रखिएगा कोई भी स्ट्रेन हो, अब जैसे कोई चीज बोल दी स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो कल आपको घबराने की, लैटरल स्ट्रेन की यूनिट बताओ, तो लैटरल भी यूनिटलेस, लॉन्गिट्यूडनल भी यूनिटलेस, और वॉल्यूमेट्रिक भी यूनिटलेस, ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जनरली दो तरीके का आपका जनरल भाषा में होगा, किस बेसिस पर, एक आपका होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एक आपका क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और जिसको जनरली आप स्ट्रेन बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन लिखा हुआ है तो एक इंजीनियर इंजीनियरिंग ही बताएगा, ये ध्यान रखिए, एक इंजीनियर क्या बताएगा, इंजीनियरिंग ही बताएगा, और दूसरा इंजीनियरिंग के अलावा दूसरा जो आपका होता है वो होता है ट्रू, सच्ची वाला, ट्रू स्ट्रेन, क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन, या ट्रू को ही हम नेचुरल स्ट्रेन कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल स्ट्रेन। एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन आपका दो तरीके का होगा, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन और एक
ट्रू या सच्ची वाला स्ट्रेन, सच्ची मुच्ची क्या होता है गुरुजी, सच्ची मुच्ची। तो देखिए इंजीनियर क्या करता है, सारी चीजें इंजीनियर साहब पहले की तुलना में निकालते हैं। पहले बीच में मामला क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल, एक ऐसे कोई रॉड था, इसको आपने खींचा, पुलिंग फोर्स लगा के खींचा, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी। जैसे आपने खींचा ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, कितना, ये कुल मिला के अगर 15 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए, अब इंजीनियर साहब क्या कहेंगे, पहले 10 था और अब 15 हो गया, तो चेंज, अब देखिए चेंज हम आपको बता चुके हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब वो कहेगा चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और पहले कितना था 10। इंजीनियर साहब को बीच से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि बीच में वो घूमने चले गए थे छुट्टी पे बिना बताए, पैसा मिल ही रहा था, तो 10 से 15 हो गया, 10 से क्या हो गया 15, 10 से 15 अचानक तो नहीं हुआ होगा, 10 से 15 आपका सडनली तो नहीं हुआ होगा ना, 10 से 15 मतलब 11 भी हुआ होगा, 12 भी होगा, 13 भी हुआ होगा, 14 भी, ऐसे 15 हुआ होगा, पर क्या किए, वो जब गए थे तब 10 था, इनिशियल 10 था, फाइनल 15 हो गया, तो चेंज 15, और उन्होंने कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हुआ वो चेंज इन लेंथ और पहले जो छोड़ के गए थे वही। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल जो पहले था। और सच्ची वाली बातें क्या है, ट्रू, ट्रू मतलब क्या है, सच्ची, ट्रू स्ट्रेन या नेचुरल स्ट्रेन हमेशा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, उस क्षण क्या था, क्षण बदलाव क्या हुआ। तो देखिए 10 से 15 जो हुआ, 10 से 15 अचानक नहीं हुआ, 13 भी हुआ, 14 भी हुआ, अब अगर मान लीजिए 12 किसी क्षण हुआ था, उस समय पूछा गया क्या ट्रू स्ट्रेन, तो उस समय 12 में मतलब क्या इंस्टेंटेनियस लेंथ लेना है, इंस्टेंटेनियस। तो ट्रू स्ट्रेन जो होता है, जो आपका ट्रू स्ट्रेन होगा, जो आपका क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन होगा, ट्रू स्ट्रेन होगा आपका, देखिए नोट्स आपको मिलते रहेंगे, बस समझदारी पे पूरा टाइम दीजिए, नोट्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, सब आपको कॉपी करने के लिए मिल जाएगा। ट्रू स्ट्रेन होगा चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन, इंस्टेंटेनियस डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंट, उस इंस्टेंट क्या डायमेंशन है, उस क्षण क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आप प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करो, ये नहीं कि घर पे गए ससुराली घूम के आए 4 दिन बाद तो बदलाव 10 से 15 आपको पता चलेगा, बीच में कुछ हुए नहीं, 10 से 15 हो गए। लेकिन अगर आप प्रत्येक सेकंड पर बात करें, हर एक इंस्टेंट पर, तो 10, 10.1, 10.2 ऐसे धीरे धीरे हुआ होगा। तो ध्यान रखिए चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस डायमेंशन क्या होगा आपका, आपका होगा ट्रू स्ट्रेन। बस में ट्रू स्ट्रेन सच्ची तो यही है गुरुजी, कि हर एक समय कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, सच्चाई। तो जो बैठा हुआ रोज डेली, जैसे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो कहेंगे रोज डेली गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है, और नहीं तो जो अचानक आया तो पहला अध्याय देखा और चौथा देखा तो कहेगा पहले के बजाय चौथा ही पढ़ा दिए, 1, 2, 3 नहीं, जो रेगुलर कर रहा है उसको नहीं, नहीं सच्ची तो यह है गुरुजी रोज पढ़ाते हैं, 10:30 बजे आते हैं, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन इंस्टेंटेनियस, उस समय का तात्क्षणिक डायमेंशन जो है। अब इसी में देखिए जो जनरल बता रहे हैं, इसी में कोई आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताओ, सॉरी ट्रू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताओ, ट्रू लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। अगर आपसे पूछे ट्रू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, ट्रू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आप क्या कहोगे, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम, उस समय का वॉल्यूम क्या है, मतलब एक जनरल बातें, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, हम सब लोग थोड़े से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन दो तरीके का हम पहले ही बता चुके, स्ट्रेन आपका हो गया इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और फिर ट्रू स्ट्रेन।
ट्रू को ही नेचुरल स्ट्रेन कहते हैं, लेकिन नहीं, स्ट्रेन का दूसरे लोडिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताइए। स्ट्रेन का लोडिंग के हिसाब से एक बात सोचिएगा बहुत ईमानदारी से, जिसे इसको नहीं आता तो समझ लीजिए, ऐसे ये प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, बहुत देखते रहिए, ये भी परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ खींचना भी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये जो प्लेन के अलोंग है ये क्या है, ये टेंजेंशियल है, ऐसे भी टेंजेंशियल हो सकता है, ऐसे भी टेंजेंशियल हो सकता है, ऐसे भी, जो प्लेन के अलोंग होगा, प्लेन के टच करके जा रहा होगा वो टेंजेंशियल, और उसके जो परपेंडिकुलर वो नॉर्मल। अब किसी ने कहा गुरुजी ना तो हम नॉर्मल खींचेंगे ना तो टेंजेंशियल, हम ऐसे तिरछा खींचेंगे। तिरछा दिख रहा सब लोग को, तिरछा दिख रहा। अब तिरछा खींचने में एक कंपोनेंट अलोंग भी आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी आएगा, दिख रहा ना सबको। देखिए ऐसे तिरछा जब खींचोगे तो एक अलोंग भी आएगा प्लेन के और एक प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर भी आएगा, तो उस समय नॉर्मल और शियर दोनों आएंगे जब तिरछा खींचेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा स्ट्रेन कितने तरीके का हुआ, तो पहला इंजीनियरिंग, दूसरा ट्रू। बस कल स्ट्रेस के बारे में हम सब लोग बात, स्ट्रेन के बारे में बात कर लिए थे। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ लोडिंग के हिसाब से, लोडिंग के हिसाब से हमने क्या किया, स्ट्रेन के बारे में बात किया। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में अकॉर्डिंग टू लोडिंग, लोडिंग देख के आंसर करने वाले हैं गुरुजी। तो पहला क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो नॉर्मल स्ट्रेन में क्या आएगा, ड्यू टू नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन, इसमें तीन तरीके का, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटरल और एक वॉल्यूमेट्रिक, लॉन्गिट्यूडनल लैटरल और वॉल्यूमेट्रिक, ये तीनों नॉर्मल स्ट्रेन है। और दूसरा क्या होगा, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन को टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा शियर स्ट्रेन को हमेशा एंगुलर मेजर करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्या करेंगे हम तो लोग, एंगुलर मेजरमेंट करेंगे। चलिए तो शियर स्ट्रेन किसमें मेजर किया जाता है, तो ये भी आप एक एक क्वेश्चन ऐसे जुड़ता जाएगा, समझदारी बढ़ते रहिए। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन इसी को बोलते हैं, और ये किसमें मेजर करेंगे, एंगुलर मेजर करेंगे, एंगुलर स्ट्रेन मेजर करेंगे। और एंगल में अगर मेजर करेंगे तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा डिग्री, डिग्री या फिर रेडियन, मात्रक क्या होगा, डिग्री या फिर रेडियन, किसका, शियर स्ट्रेन का या टेंजेंशियल स्ट्रेन का, ये नोट रखिएगा, और इस पर डिटेलिंग हम सब लोग करेंगे आगे भी, लेकिन अभी के लिए शियर स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेन, द यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू डिग्री और रेडियन, ये मार्क एकदम लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को। अब क्वेश्चन आया कि नॉर्मल स्ट्रेन में क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल लैटरल और वॉल्यूमेट्रिक। अब लॉन्गिट्यूडनल लैटरल और वॉल्यूमेट्रिक होता है क्या है, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। ऐसे है, ये आपका एक क्यूबॉइड है, सर्कुलर भी एलिमेंट हो सकता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये गहराई है। तो लेंथ के अलोंग जितने भी चेंजेज होंगे, लेंथ के अलोंग वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, एक बार बताया भी था इसको। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताइए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताइए, तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुरंत कहोगे एप्सिलॉन एल जो है वो होगा डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, बस चेंज इन क्या, तो लॉन्गिट्यूडनल जब भी पूछे, गुड मॉर्निंग देवेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, क्लास अटेंड करते, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा अगर स्ट्रेन लिखा हुआ है तो इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग वाला ही आंसर देंगे, ये नहीं कि आप ट्रू सच्ची नहीं बताना है, वैसे भी बेईमान होता है इंजीनियर, तो सच्ची नहीं बताना क्या है, इंजीनियरिंग वाला की इनिशियल से इतना हो गया, बीच में कैसे हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा क्या होगा, चेंज इन लेंथ,
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसी में अगर हम आपसे लैटरल स्ट्रेन पूछे तो लैटरल स्ट्रेन अगर लंबाई के अलोंग लोड है तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लैटरल बी भी है और एच भी है, तो लैटरल आपका डेल्टा बी अपान बी भी होगा और डेल्टा एच अपान एच भी होगा। ये ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि लंबाई के परपेंडिकुलर लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल और लेंथ के परपेंडिकुलर लैटरल, लैटरल को ही ट्रांसवर्स बी कहते हैं। ये बात पहले भी कर चुके हैं। तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ या फिर चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट भी लैटरल स्ट्रेन ही है। क्लियर हो गई बात। अब इसी में कोई पूछता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी में एंगुलर डिफॉर्मेशन, एक बात और ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेन हमेशा हमेशा नॉर्मल स्ट्रेन आपका क्या बदलता है, साइज चेंज करता है, साइज। और जितने शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन होते हैं वो शियर वाले क्या करते हैं, शेप बदलते हैं। ये क्या करते हैं, शेप। अगर कोई रेक्टेंगल था तो अब वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो ऐसे तिरछा हो गया, वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा अगर हम शियर लोड लगाएं तो। तो जो आयत था वो समांतर चतुर्भुज हो गया, क्या बदल गया, शेप। तो शियर स्ट्रेन की वजह से, शियर स्ट्रेन की वजह से क्या बदलता है, शेप चेंजेज होता है, और नॉर्मल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, साइज चेंज होता है। नोट रखिएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस ये सब बनते हैं अपने आप में। अब अगर आप बताइए किसी भी मेंबर पर, कोई एक मेंबर था, ऐसे क्वेश्चन खूब आए, उस पर लोड अप्लाई करने पर किसी भी मेंबर था, उसकी लंबाई एल थी, ऑन लोडिंग लोड अप्लाई करने पर उसकी लंबाई ट्वाइस हो गई, जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, ट्वाइस हो गई, ट्वाइस। अब देखिए ट्वाइस का मतलब क्या है कि गुरुजी जो पहले था उसका दुगना हो गया है, जो फाइनल लेंथ है वो क्या है, पहले का दुगना हो गया, ट्वाइस। तो आप इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताइए, तो आप कहोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन, तो चेंज इन लेंथ का मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब आप बताएंगे फाइनल जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ एल आई हो गया, और एल आई एल आई था, और एल आई क्या था, एल आई था, तो यहां पर आप देखेंगे तो वन आएगा आंसर कि दो। तो ऐसे कई बार आता है कि किसी भी बार को खींचकर, किसी भी बार को क्या खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी गई, उसकी लंबाई अगर ट्वाइस कर दी गई तो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वन होगा। अगर ये थ्राइस कर दी गई होती, उसकी लंबाई क्या कर दी गई, थ्राइस कर दी गई होती, तो यहां थ्री करते, थ्री माइनस वन जो आता टू आता, तो जब स्ट्रेन का मान टू होगा, देखिए इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रक विहीन होता है, तो जब स्ट्रेन वन इसका मतलब लंबाई दुगुनी कर दी गई, अगर स्ट्रेन टू आए इसका मतलब लंबाई तिगुनी कर दी गई, और अगर स्ट्रेन थ्री आए इसका मतलब लंबाई चार गुनी कर दी गई। बात समझे देवेंद्र जी, आप सब लोग बताइए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। शिवांगी जी आप बताइए क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, सब लोग अपना कमेंट करके या थम्स अप करके बताइए। आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या आया, अच्छा एक बात, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, कल ये वाला क्लास हो गया था, अच्छा रितेश चंद्र जी, एस सर, एस सर, तो कल शिवांगी जी हम आपसे जानना चाहेंगे स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, कल ये वाला लेक्चर हो गया था, एक बार देख के बताइए, जो लोग लास्ट क्लास तीसरी क्लास ज्वाइन किए हैं बस ये बताइए, जिससे हम आगे ही कंटिन्यू कर पाए। तो क्या आपका स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस कल हमने करा दिया था, एक बार बताइए, एस और नो में बताइए, अच्छा यहां तक करा दिया था, चलो तो इसके आगे हम सब लोग बात करते हैं, इसके आगे आपका क्या था, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात हुई थी, क्योंकि इंजीनियर इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अब आया
अगर आपसे पूछे इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे गुरुजी चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल या फिर ओरिजिनल डायमेंशन, जो भी डायमेंशन उसमें परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक डायमेंशन। ऐसे अगर लेंथ में पूछा जाए तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, अगर लेंथ में पूछा जाए तो क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब किसी ने कहा नहीं हम इंटीग्रल फॉर्म में बताएंगे, अरे भाई इंटीग्रल फॉर्म में क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसे इंजीनियरिंग और एल कहां से, एल आई से एल फाइनल तक। अब देखिए ये एल एल आई अगर ले लिए तब तो आपका इंजीनियरिंग है, ये एल आई ले लिए तब तो आपका इंजीनियरिंग है, और अगर एल इंस्टेंटेनियस ले, एल आई को एल नॉट ले लो भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर इनिशियल लंबाई ले लिए तब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तब तो आपका क्या है, इंजीनियरिंग। एक और डेरिवेशन करा दे रहे, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछे इंजीनियरिंग स्ट्रेन बताओ, तो आप कहोगे गुरुजी डीएल अपॉन इनिशियल लेंथ। इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, डीएल अपॉन इनिशियल लेंथ, इनिशियल से फाइनल तक। या इसी को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन इक्वल टू इंटीग्रल एल आई से एल फाइनल डी एल, और वहां पर वन अपॉन एल नॉट आप रख सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। क्यों ऐसा बाहर हुआ, क्यों कोई भी इंटीग्रल से या डिफरेंशिएशन से बाहर कब आता है, जब कांस्टेंट हो, बाहर तभी आता है जब क्या हो, कांस्टेंट हो। पर अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, ये इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या आया, वन अपॉन इनिशियल लेंथ इंटीग्रल डी एल और इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ, ये आपका इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आया कि ट्रू सच्ची वाला बताओ, देखिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, आप सब लोग नोट कर लिए कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू वन अपॉन एल नॉट, एल नॉट से एल फाइनल डी एल चेंज इन लेंथ। इसको सब लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया थम्सअप कर दे, कोई भी एक थम्सअप कर दे, हम आगे बढ़ जाए, क्योंकि ट्रू का आपको रिलेशन निकालना है। रितेश चंद्रा जी आप बताइए, देवेंद्र आप ही बताओ, एक बार थम्सअप, नोट कर लिए सब लोग इसको, ये आया वो क्वेश्चन है, ऐसे रिलेशन आ जाते हैं, घबराना नहीं, ऐसे डायग्राम दे देते गुरु जी ये इक्वेशन कैसे है, कुछ नहीं आया है, एल नॉट बाहर आया, क्यों बाहर आया, क्योंकि हम कांस्टेंट हैं, क्योंकि हम इनिशियल लंबाई तो कांस्टेंट होगी ना, तो एक बार सर, हाँ सर हो गया बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब आया ट्रू स्ट्रेन, ये रिलेशन भी पूछा गया है जो डेराइव करने जा रहे हैं, ट्रू स्ट्रेन क्या होगा, तो ट्रू स्ट्रेन जो होगा वो गुरु जी क्या होगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ, इंस्टेंटेनियस लेंथ उस क्षण क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस, तो ट्रू वाला आप कहोगे गुरुजी इंटीग्रल डी एल अपॉन एल, और कहां से, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक। ये भी फॉर्मूला पूछा गया, इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक, सच्ची यही है ट्रू स्ट्रेन जो है वो क्या है, इंटीग्रल एल नॉट से एल फाइनल और डीएल अपॉन एल। अब एक बात आप हमें ईमानदारी से एकदम बताइएगा, क्या ये एल बाहर आ सकता है, ये तुरंत आपने कहा क्या ये बाहर आ सकता है, नहीं क्यों नहीं, नहीं नहीं बाहर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि तुम इंस्टेंटेनियस हो और लंबाई इंस्टेंटेनियस वाली कांस्टेंट नहीं होगी, लंबाई इंस्टेंटेनियस वाली बदल रही होगी, तो तुम बाहर नहीं आ सकते। तो हम बाहर अगर नहीं आ सकते तो ट्रू वाला क्या होगा, इंटीग्रल डी एल अपॉन एल कहां से, एल नॉट से एल फाइनल तक, और डीएल अपॉन एल का अगर हम इंटीग्रेशन जानते हो तो ये आता है लॉग, ये आता है लॉग एल, और कहां से कहां तक, लिमिट होगी एल नॉट से एल फाइनल तक।
लिमिट क्या होगी एल नॉट से एल फाइनल तक। अब इसको आप सब लोग करें, आप सब लोग इसको करके बताएं, एल लॉग से एल फाइनल। अब इसमें जैसे आप लिखोगे आपको पता होगा इंटीग्रल वन अपान एक्स डी एक्स जो होता है वो एल एन एक्स होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, एकदम बेहतरीन है। अब इसको जब आप लिखोगे तो ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू एल एन, और यहां पे क्या होगा एल फाइनल माइनस एल एन नेचुरल लॉग, बेस ई हो तो नेचुरल लॉग कहां एल नॉट, ऐसे होगा, बात समझ में। अब इसको जब आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू आएगा एल एन एल फाइनल अपान एल नॉट, ऐसे होगा। अब इसको, और ये ट्रू वाला है, ये कौन है ट्रू वाला, तो एप्सिलॉन ट्रू इक्वल टू एल एन, और एल फाइनल जो होगा वो एल नॉट से थोड़ा ज्यादा होगा ना, थोड़ा तो ज्यादा होगा, तो थोड़ा ज्यादा डेल्टा एल मान लो, तो यहां एप्सिलॉन टी इक्वल टू आएगा एल एन वन प्लस डेल्टा एल अपान एल नॉट, और यही तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन था, यही तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन था, तो ये वन प्लस एप्सिलॉन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको सब लोग नोट कर ले, बहुत बेहतरीन, एक बार कॉपी कर ले फिर बात करेंगे, फिर से इसको एक बार समझा देंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन, द रिलेशनशिप बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन, ये बात आपको करनी है। तो एक बार देख लीजिए, बहुत बेहतरीन हुआ है, सब लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रिया यादव जी आपने भी समझ में आ गया क्या किए, ट्रू वाला था वो था डेल्टा एल अपान इंस्टेंटेनियस लेंथ, उस क्षण की लेंथ। अब यहां पर ये एल बदल रहा है, अगर बदल रहा है तो कांस्टेंट नहीं है, मतलब आगे इसको बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग वाले में इनिशियल लेंथ था जो कि कांस्टेंट था, तो ये आ गया बाहर। यहां क्वेश्चन एक बार लगाए कि क्या बाहर, नहीं बाहर नहीं, तो इसका आया लॉग एल, और लॉग एल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, फिर आ गया एल फाइनल अपान एल इनिशियल, और जो फाइनल होगा वो इनिशियल से थोड़ा ज्यादा होगा। सब लोग लाइक करके, अगर पसंद आ रहा तो थम्स अप करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो एल नॉट प्लस डेल्टा एल अपान एल नॉट, फिर यहाँ वन प्लस डेल्टा एल अपान एल नॉट हुआ, और डेल्टा एल अपान एल नॉट जो था वही तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन था। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं तो एक बार देख लीजिए, फिर इसको आप लोगों को बुकलेट पूरी मिलेगी, इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितने लोग भी हैं पेड बैच में उनको पूरी बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा, पूरा कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, ठीक है, परेशान नहीं, राशि नहीं, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब एक फॉर्मूला आया कि सच्ची वाला स्ट्रेन, सच्ची मुच्ची वाला, जैसे कट्टी पक्की कर रहे थे तो सच्ची, अच्छा हाँ, तो ये होता है एलएन वन प्लस एप्सिलॉन, ये आपको रटकर भी रखना है। अब अगर यही क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा देवेन जी, आप सब लोग भी बताइएगा, अगर लंबाई दुगनी हो जाए, हमने किसी मेंबर को खींचा उसकी लंबाई दुगनी हो गई, तो दुगनी हो गई तो अभी हमने निकाला था कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन वन आएगा, तो ट्रू स्ट्रेन क्या आएगा, ट्रू स्ट्रेन क्या आएगा, अगर लेंथ को फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ का दुगना हो तो उस सिचुएशन में इंजीनियरिंग वाला जो आता है वन आता है, तो ट्रू स्ट्रेन क्या आता है एल एन टू आएगा। बात समझ में आ रही ना, ऐसे अगर आ जाए कि लंबाई तीन गुनी कर दिए खींच के, तो जब लंबाई तीन गुनी कर देंगे उस समय आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन दो आएगा, तब ट्रू वाला जो आएगा वो एलएन क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। कर लोगे सब लोग, देखिए यही सब क्वेश्चन आने हैं। अच्छा ट्रू स्ट्रेन हर बार ज्यादा होता है क्या, बिल्कुल ऐसा मतलब कह नहीं सकते, लॉक की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा राशि कोई भी नहीं कह सकते, कम या ज्यादा ऐसा कह नहीं सकते। देखिए ये वन है, ये क्या है वन है, अब देखिए जब ये वन है तो ये लॉक टू है, अब लॉक टू का मान आप बताइए कितना होगा, लॉक टू का मान आप राशि बताइए कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कम होगा कि ज्यादा होगा,
क्लियर हो गई बात। अच्छा एक बात और बताइएगा, एक बात और, जब कर ही रहे हैं तो सब निपटा लो, तो ट्रू वाला ऐसे आया कि एल एन वन प्लस एप्सिलॉन। अच्छा एल एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग का मतलब बेस ई होता है, वन प्लस एप्सिलॉन, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ट्रू वाला है। तो क्या हम लिख सकते हैं वन प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू ई की पावर एप्सिलॉन टी? क्या ऐसे हम लिख सकते हैं e की पावर एप्सिलॉन टी इक्वल टू वन प्लस एप्सिलॉन? तो एप्सिलॉन क्या होगा? e की पावर ट्रू स्ट्रेन माइनस वन। ध्यान रखिए, ट्रू स्ट्रेन होगा ln वन प्लस एप्सिलॉन, ट्रू स्ट्रेन होगा ln वन प्लस एप्सिलॉन, पर इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा e की पावर एप्सिलॉन टी माइनस वन। दोनों सही है, e की पावर। अच्छा लॉग आपने निकाला 0.3, तो देखिए कौन बड़ा है, वन आपका इंजीनियरिंग वाला बड़ा है। देखिए जुड़ना ऐसा नहीं, पर जुड़ के लॉग आगे बैठा हुआ वो गेट बहुत खतरनाक है, तो छोटा वाला की बात यहां नहीं हो सकती। तो यहां भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि फार्मूला क्या, आप इसको खुद ही समझदारी से कर सकते हैं, कोई बात कठिन नहीं। ये जो है इसी फार्मूले से ये भी आया, बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब दो तीन बातें और भी समझते रहेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात हो गई, अब एक बात बताइएगा, नॉर्मल स्ट्रेन में पहले स्ट्रेन कौन से लोग देखते हैं? हमने लोड लगाया, कैसा लोड लगाया गुरुजी? हमने टेंसाइल लोड लगाया, हमने क्या लगाया, टेंसाइल लोड लगाया। जैसे टेंसाइल लोड लगाओगे, लंबाई इनिशियल अगर कुछ थी तो लंबाई बढ़ जाएगी। इसको कभी आप क्या करिए, स्टील तो खींच नहीं पाते, तो कभी ऐसे कोई भी आप रबड़ का एलिमेंट ऐसे लेके खींचिए, जब रबड़ का एलिमेंट ऐसे खींच रहे होंगे, जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही होगी, डायमीटर तुरंत कम हो रहा होगा, डायमीटर उसका क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इसकी मोटाई कम हो रही होगी, फीलिंग आ गया ना एकदम। तो जैसे आप खींचोगे, ये डॉटेड लाइन बाद वाला स्टेप है, तो लंबाई तो बढ़ी गुरुजी, पर डायमीटर कम हो गया। अब आप बताओ, इसमें अगर हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछे, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप कहोगे डेल्टा एल अपान एल, और क्या डेल्टा एल क्या ये बढ़ा है? हाँ बढ़ा है, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? तो ध्यान रखिए, जब लोड टेंसाइल होगा, ये ध्यान रखिए, जब लोड टेंसाइल होगा तो डायमीटर घटेगा, डीएफ फाइनल डायमीटर इज लेस देन इनिशियल डायमीटर, और जब लोड टेंसाइल होगा तो फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से ज्यादा होगी। एक बात इसको ध्यान से देख लीजिए सब लोग, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से आपको देखना है, इसमें देखना क्या है, ध्यान से आप देखते रहिए इसको, बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको क्लियर आप देख लीजिए। अगर लोड टेंसाइल है तो फाइनल डायमीटर इज लेस देन इनिशियल डायमीटर, और फाइनल लेंथ इज ग्रेटर देन इनिशियल लेंथ। अगर लोड कंप्रेसिव खुद ऐसे कस के दबा दिए, कस के, तो जब दबाओगे तो लंबाई तो घटेगी, फाइनल लेंथ इज लेस देन इनिशियल लेंथ, बट डायमीटर विल इंक्रीज, फाइनल डायमीटर विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल। अब इसमें ध्यान दीजिए, लोड जनरली हम लोग क्या हमेशा टेंसाइल को पॉजिटिव मानेंगे, तो जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो लंबाई बढ़ता है, जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो लंबाई क्या होता है, बढ़ता है, मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा। तो हमेशा लोड और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो भी नेचर होगा वो सेम होगा, ध्यान रखिएगा, लोड और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नेचर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? फिर से तो लॉन्गिट्यूड, अब देखिए पहला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा एक बात तो क्लियर हुई, टेंसाइल लोड लगाने पर लंबाई बढ़ता है और डायमीटर घटता है, कंप्रेसिव लोड लगाने पर लंबाई घटती है और
लंबाई घटती और डायमीटर बढ़ता है। इतना तो आप ध्यान रखिए। आगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। देखिए ट्रू वाला अब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, सब इंजीनियरिंग ही आगे पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा, ट्रू वाले में रिलेशन हमने आपको करा दिया, कुछ क्वेश्चन भी आपको हमने कराया, समझ भी गए होंगे। तो चेंज इन डायमेंशन अलोंग द लोड अपॉन इनिशियल डायमेंशन। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ माइनस चेंज क्या होता है देवेंद्र जी, आप बताइए चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हमेशा। तो चेंज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल। अब इसी में अगर लोड पॉजिटिव हो या फिर टेंसाइल हो, पॉजिटिव का मतलब, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हमेशा तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट या एल आई, और टेंसाइल के केस में डेल्टा एल पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होता है तो उस समय भी ये पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट लिखा है, इसको आप नोट और ईमानदारी से पढ़िए। नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज विल बी सेम, नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी सेम, विल बी क्या होगा, सेम, ऑलवेज विल बी सेम एज द नेचर ऑफ लोड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नेचर हमेशा लोड के जैसा होगा। लोड पॉजिटिव तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी पॉजिटिव, अगर लोड नेगेटिव तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी नेगेटिव। अगला लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, आपके हिसाब से लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? तो गुरुजी लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। फिर से स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, जो स्ट्रेन है किसके, लोड के परपेंडिकुलर। अब अगर कोई लंबाई बढ़ी थी, जब लंबाई के अलोंग लोड लगाए थे, लंबाई बढ़ी थी तो डायमीटर, डायमीटर क्या लंबाई के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। तो चेंज लैटरल स्ट्रेन इक्वल चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द लोड अपॉन इनिशियल डायमेंशन। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं पर आगे पोजीशन रेशियो भी यहीं से क्लियर होगा। आपका हुक्स लॉ भी इसी के लिए, क्या हुक्स लॉ लैटरल स्ट्रेन के लिए वैलिड है? नहीं गुरुजी। तो मतलब हर एक फॉर्मूले को जानने के बाद उसकी औकात पहचानना है। सर सिर्फ डायमेंशन ही होगा या हाइट भी हो? बिल्कुल हाइट भी हो सकता है। देखिए ध्यान रखिए राज सिंह जी, अगर आपका सर्कुलर मेंबर है तो डायमेंशन डाया होगा, अगर आपका क्यूबॉइड है तो डायमीटर भी, सॉरी हाइट भी हो सकती है और ब्रेथ भी हो सकती है। अभी हमने पिछले इसमें क्लास में अभी इसी में बताया था, अभी अगर आपको याद हो तो ये आप डायग्राम देखिए, लेटरल डेल्टा बी अपन बी नॉट भी है और डेल्टा एच अपन एच नॉट भी है, दोनों लेटरल है। लॉन्गिट्यूडनल कौन है, डेल्टा एल अपन एल नॉट। तो जब आपका क्यूबॉइड, अब अगर ये सर्कुलर होता तो डेल्टा बी और डेल्टा एच लिखने की जरूरत नहीं, दोनों डेल्टा डी अपन डी होता है। राशि जी समझ में आया, क्लियर हुआ? एक बार बताइए क्लियर हुआ, एक बार आप थम्स अप करके बताइए। ये हम पहले भी अभी भी आज ही के लेक्चर में कराए हैं, ठीक है। तो डेल्टा बी अपन बी नॉट और डेल्टा एच अपन एच नॉट दोनों आपका लेटरल है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अब इस केस में जो सर्कुलर एलिमेंट था उस केस में स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड क्या कहलाएगा, स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड आपका क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। अब लेटरल स्ट्रेन क्या था इसमें, फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करे। अच्छा लेटरल स्ट्रेन अगेन गुरुजी, चलिए आप बताइएगा, ऐसे आपका कोई मेंबर था, ऐसे आपने लोड इधर की तरफ लगाया, तो आप बताइए जो ये डायमेंशन है ये लोड के परपेंडिकुलर है, जो ये डायमेंशन है क्या ये वाला भी लोड के परपेंडिकुलर, ये वाला भी लोड के परपेंडिकुलर, क्या ये वाला भी लोड के परपेंडिकुलर, जो इस क्रॉस सेक्शन में है वो इस लोड के परपेंडिकुलर है, इस क्रॉस सेक्शन में जो भी है
क्रॉस सेक्शन में जो भी है वो लोड के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायमेंशन में चेंज, परपेंडिकुलर डायमेंशन जो कि क्या है डायमीटर, यहां पर जो कि क्या है डायमीटर, तो चेंज इन पर किसके परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या डायमेंशन का चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसके परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर हो गई बात? तो आपका आ गया फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। जब लोड पॉजिटिव होगा, देवेन जी बताइए क्या समझ में आया, एक बार कंफर्म करके बताइए, थम्स अप करके बताइए देवेन। तो अब ध्यान रखिए, यस बिल्कुल धन्यवाद। तो आप सब लोग क्या कहें चेंज इन डायमीटर पर, अब एक सोच डेवलप करिए, सर जब टेंसाइल लोड लगाएंगे तब लंबाई बढ़ेगी और डायमीटर घटेगा, मतलब लोड पॉजिटिव लगाएंगे तो लंबाई में परिवर्तन भी पॉजिटिव होगा और डायमीटर में परिवर्तन निगेटिव होगा, इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है, अगर लोड पॉजिटिव डायमीटर घटता है, लेटरल स्ट्रेन क्या आता है नेगेटिव, उसी को लिखा गया है नेचर ऑफ लेटरल स्ट्रेन, नेचर ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपोजिट टू द नेचर ऑफ लोड, लेटरल स्ट्रेन का नेचर हमेशा लोड के अपोजिट होता है, जबकि एंड नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्रॉसपोंडिंग टू द सेम लोड, लैटरल स्ट्रेन का नेचर लोड के और उसके क्रॉसपोंडिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नेचर के अपोजिट होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगा तो लैटरल घटेगा, सामान्यतः ऐसा रहता है। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, उसका नेचर लोड के और उसके क्रॉसपोंडिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नेचर के अपोजिट होगा, ठीक है। अगर लोड टेंसाइल है तो लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव होगा और लेटरल लेटरल कंप्रेसिव नेगेटिव होगा, घटेगा। अगर लोड आपका कंप्रेसिव है मतलब नेगेटिव लोड है तो लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव होगा, दबेगा, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में कमी होगी और डायमीटर में बढ़ोतरी होगी और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई ना? आगे बढ़े तो ये ध्यान है कि लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल आपस में अपोजिट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लोड के जैसा नेचर का होता है और लैटरल लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट, लैटरल लोड के भी अपोजिट नेचर का होता है, एकदम क्लियर रखिएगा। अगला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट हम आपको कल कराएंगे, पर हाँ अगर डिफिनेशन वाइज बात करें तो डिफिनेशन क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा हम क्या करेंगे कि एक ही समय सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हुए एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम एक साथ ही करेंगे, ध्यान रखिएगा कल के लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी इट इज द अनुपात ऑफ रेशियो, मतलब अनुपात किसका अनुपात, चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, और ये चीजें हम कल करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो सिंपल सा है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, अपन क्या है इनिशियल वॉल्यूम। अब आप बताइए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, गुरुजी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ये चेंज होगा, अपन क्या हो गया इनिशियल वॉल्यूम, अपन क्या हो गया इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात समझ में आ रही ना? क्लियर हो गई बात? तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम, या इसी को अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, डीबी अपॉन वी, डीबी अपॉन वी। डीबी क्या है? चेंज इन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है कि एसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जल्दी लेके आना बता दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, जैसा भी लेक्चर लगा सब लोग अपने कमेंट्स बताइए,
अच्छा पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ आपको एक दो दिन में हो सकता है, आज का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आज ही भेजवा दें, अदरवाइज आपको पीडीएफ जल्दी मिलेगा। ठीक है गौरव कुमार जी, तो आज का लेक्चर कैसा था सर? अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है क्या? नहीं, क्लासेस की टाइमिंग 10:30 से 11:30 सोम चलेगा, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आज के दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था कि 10-12 मिनट क्लास लेट हुई, लेकिन 10:30 से 11:30 क्लास चलेगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसके लिए आप रेगुलर ज्वाइन करें। ठीक है रितेश चंद्र जी, रेगुलर ज्वाइन करें, जैसा क्लास लगा एक बार उसके बारे में कमेंट कर दें। फिर आपसे मिलते हैं कल इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ, ऐसे ही जोश के साथ, फिर सोम को आगे बढ़ाते हैं, खूब मजा आने वाला है। बस ये ध्यान रखिए थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, शुरुआती दौर है, धीरे धीरे चल रहा है, गर्दा उड़ेगा, बिल्कुल राज सिंह गर्दा उड़ेगा, चलिए मजा। अच्छा क्लास कितने टाइम पर चला? तो क्लास आज 10:42 पे लगभग चला था, लगभग 10-12 मिनट लेट हुआ था, लेकिन हाँ आगे से ध्यान रखिएगा कि 10:30 से आपकी क्लासेस 10:30 AM पर स्टार्ट हो ही जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। 10:30 AM किसकी क्लास? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय कौन? गिरजेश कुमार तिवारी। तो इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आता गुरु, नहीं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी भेजा जा रहा होगा, और अगर आपने ऐप डाउनलोड किया होगा तो ऐप पर भी जा रहा होगा। वैसे टेलीग्राम पे तो हम जिम्मेदारी लेते कि जा ही रहा है, प्राइवेट चैनल एक बनाया गया, तो आप मैकेनिकल या सिविल के जो भी होंगे होगा उसमें। अच्छा पिछला भी नहीं मिल रहा है, पिछला नोट्स मिल रहा होगा, ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं आता। चलिए इस पे बात करेंगे रितेश जी कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर आपको टेलीग्राम में भेजा जाता है। ठीक है टेलीग्राम में पिछला भी आपको नहीं मिला, पिछला कौन सा आप जानना चाहते हैं गौरव जी? पिछले जो 3 लेक्चर हुए उसके आप पीडीएफ चाहिए? आज की क्लास का हम पीडीएफ एज इट इज वाला दिला देंगे, और जो कंबाइंड जो आपको हम पढ़ा रहे होते हैं पीपीटी वो भी आपको मिलेगा। ठीक है जो हम पीपीटी पढ़ा रहे थे वो भी मिलेगा, और जो हम बीच में एडिशनल टॉपिक्स बता देते हैं उसका भी मिलेगा। और कोई बात हो तो बताइए, उसको हम आगे कंसीडर करते रहेंगे। ऑनलाइन नोटिफिकेशन आता कि नहीं आता इस पे हम बात कर लेंगे। टेलीग्राम पर ऐड नहीं हो पा रहा है गुरुजी, जो टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पा रहा तो क्या करें? आप ऐप अगर डाउनलोड किए हैं पेड बैच का तो ऐप पर भी आप डायरेक्टली 10:30 बजे आ जाया करिए। वैसे हम कहेंगे कि आपको कोई कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन जरूर दी जाए क्लासेस की, लेकिन हाँ 10:30 बजे आप भी बताएं, और जो भी जो लोग हैं सबको बता दिए कि 10:30 बजे सुबह 10:30 AM पर मॉर्निंग में हम क्लास डेली लेंगे। ठीक है और कोई बात हो बताइए। पिछला भी पीडीएफ नहीं मिला, ठीक है भाई आज का तो बिल्कुल दिला देंगे, और जो पीपीटी है पूरा मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सीट भी मिलेंगी, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट रहेगा उसको हम कराएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हम ही डिस्कस कर दें जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है और कोई बात? चलिए तो आज इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ठीक है धन्यवाद।